हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने जेरोदा के अपडेट के बारे में बात करी थी, जिसमें जो चार्ट आईक्यू का उनका चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है और वो बहुत अमेजिंग काम करती है। तो आप सभी जानते हैं कि स्ट्रीक भी जेरोदा के साथ जुड़ा हुआ है, वो स्ट्रीक जो चार्ट यूज़ कर रहा है वो भी चार्ट आईक्यू का चार्ट यूज़ करता है। तो जो अपडेशन चार्ट आईक्यू के चार्ट में हुई है वही अपडेशन अब स्ट्रीक के अंदर भी हो गई है। तो सीपीआर जैसे इंडिकेटर जो हमने लास्ट वाले में वीडियो में बात करी थी वो अब आप स्ट्रीक में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो आपके जो पैटर्न्स थे, कैंडलस्टिक के पैटर्न थे, वो सारे पैटर्न भी आप स्ट्रीक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके स्कैनर भी लग गए हैं और भी दो तीन चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई है। तो इन चीज़ों को देखते हैं कि स्ट्रीक में क्या क्या अब इसके अंदर ऐड हो गया और किस तरीके से आपको ट्रेडिंग में मदद करने वाली है सभी चीज़ें। तो बने रहिए वीडियो के साथ, जानते हैं सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, हम स्ट्रीक के डैशबोर्ड पर हम आ गए हैं। इस डैशबोर्ड पर देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मिलती है, आप उनका बखूबी यूज़ कर सकते हैं। आपको पहले भी हम कई बार इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं वीडियो के अंदर, बहुत सारे टेक्निकल टूल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ मिलते हैं ऑलरेडी, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप जाएंगे यहाँ पर स्कैनर में, स्कैनर पे जब आप डिस्कवर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्री डिफाइंड कुछ स्कैनर मिलते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत इंप्रूव कर देंगे, कह सकते हैं आप चार चांद लगा देंगे इसके अंदर। और यहाँ पर आप देखिए कि पहले क्या था कि बुलिश बेयरिश, इंटरडे बुलिश, इंटरडे बेयरिश, ये बहुत सारे आपको प्री डिफाइंड स्कैनर अवेलेबल थे। लेकिन अब जो चीज़ यहाँ ऐड हुई है वो हुई है कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल पैटर्न्स कह सकते हैं आप, कैंडल स्टिक पैटर्न्स कह सकते हैं। मेरी जो पर्सनल ट्रेडिंग होती है उसके अंदर 50% रोल कैंडल स्टिक पैटर्न का होता है। जब तक कैंडल स्टिक पैटर्न कोई फॉर्म ना हो या मुझे कोई प्राइस रिजेक्शन ना मिले या मुझे कोई ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न ना मिले जिससे मुझे ये लगे कि यहाँ पर मार्केट एक्टिव होने वाली है या नहीं होने वाली, तो 50% मेरी ट्रेडिंग के अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ होते हैं। यानी मेरे 10 में से 5 ट्रेड में कैंडल स्टिक पैटर्न की कन्फर्मेशन ज़रूर मिलती है। तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये बहुत अमेजिंग काम करते हैं और आपकी ट्रेडिंग को बहुत इंप्रूव कर देंगे, गलत ट्रेड से बहुत ज़बरदस्त बचा देते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट था जो स्ट्रीक ने लॉन्च कर दिया और आई होप ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत बढ़िया कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न है, इनको वन बाई वन एक बार देख लेते हैं, मैं दो तीन दिखा देता हूँ, बाकी आप अपना स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म खोल के एक एक करके देख लेना कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो मुझे बहुत पसंद है वो है एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये देखिए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा तो वन डे का यहाँ टाइम फ्रेम लगा हुआ है, आप चाहे तो किसी भी टाइम फ्रेम पे स्कैन कर सकते हैं। फिलहाल हम वन डे के टाइम फ्रेम पे वॉच कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत सारे स्टॉक आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें सब में बुलिश क्या बना हुआ है, एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। तो एक बार ये जो इन्फोसिस वाला स्टॉक है जिसमें बना हुआ है इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है इसके अंदर पैटर्न बना हुआ। तो यहाँ पर चार्ट खोल लेते हैं और लिखते हैं इन्फोसिस, इन्फोसिस यानी इन्फी जो सिंबल है, ये देखिए वन डे का टाइम फ्रेम है और बढ़िया देखिए पैटर्न देख के ना आत्मा तृप्त हो गई है। इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है और इस तरीके का पैटर्न बहुत बढ़िया कंफर्मेशन देता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, जो करेक्शन थी वो कंप्लीट हो गई इन्फी की, पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ से रिवर्स कर जाए और इन्फी वापिस ऊपर वापिस एक न्यू हाई के लिए जाए, तो एक पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके के पैटर्न जो है ये आपकी बहुत मदद करते हैं आपकी ट्रेडिंग के अंदर। जब भी ट्रेंड रिवर्स होने वाला हो, आपको लगे कि ट्रेंड रिवर्स करना चाहिए, करेक्शन कंप्लीट करनी चाहिए, उस टाइम इस तरीके के पैटर्न आपके बहुत काम आते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ पर एक पैटर्न और देखते हैं कोई भी, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं वॉच कर रहा है, देखिए यहाँ पर है कैंडल स्टिक पैटर्न। और यहाँ देखते हैं थ्री ब्लैक क्रॉस, इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है। कोई भी एक स्टॉक निकालते हैं, BHEL निकालते हैं और देखते हैं क्या ये वन डे के टाइम फ्रेम पे ही है। बिल्कुल BHEL और BHEL देखते भाई, थ्री ब्लैक क्रॉस मिल रहे हैं, बढ़िया। देखिए अब यहाँ पर तीन आपको, ये देखिए तीन आपको कैंडल्स मिल गई है, बेरिश कैंडल्स मिल गई है, इसी को कहते हैं थ्री ब्लैक क्रॉस। और ये बहुत बड़ी तो नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होता तो और अच्छा होता। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे का जो रुझान है, हाई लो का रुझान है थोड़ा ज़्यादा है, शेडोज ज़्यादा है कैंडल्स में, लेकिन फिर भी थ्री ब्लैक क्रॉस तो है ही, तीन आपको बेरिश कैंडल तो मिली गई है। तो इस तरीके से
तो इस तरीके से दोस्तों आप कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस अपडेट से। आपको अलग से चार्ट पे समय बर्बाद नहीं करना, आप एक जगह देखिए कि किन किन स्टॉक पे बना हुआ है और आप बखूबी इनका इस्तेमाल करिए। इसके बाद देखिए एक स्टॉक आ रहा है डाबर का, इसको चेक करते हैं कि 3 ब्लैक क्रॉस बन रहे नहीं बन रहे डाबर के अंदर। डाबर ये देखिए यहाँ बना है दोस्तों परफेक्ट 3 ब्लैक क्रॉस, बढ़िया कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स, 3 कैंडल्स। तो इस तरीके से दोस्तों आप कैंडलस्टिक पैटर्न का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट की वीकनेस को बताने में बहुत मदद करता है, मार्केट की स्ट्रेंथ को बताने में बहुत मदद करते हैं ये पैटर्न्स। अब इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ क्या है जो स्ट्रीक ने अभी अपग्रेड करी है, वो है दोस्तों जो आप वेबिनार देखते हैं स्ट्रीक के, तो उसके अंदर कुछ स्कैनर आपको बताए जाते हैं, तो वो सभी स्कैनर आपको यहाँ दे दिए वेबिनार वाले, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो एक वेबिनार के अंदर आपको बताया गया था ट्रायंगल पैटर्न, तो ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ दे दिया है। बाकी जितने भी वेबिनार के अंदर जितने भी पैटर्न्स बताए जाएंगे वो टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट कर दिए जाएंगे, तो आप इनका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। उसके बाद दोस्तों कुछ हमने लास्ट वाली वीडियो में बात करी थी, जो ज़ीरोधा का चार्ट है क्योंकि अपडेट था, उसके अंदर हमने बात करी थी कि सीपीआर इंडिकेटर ऐड हुआ है। तो सीपीआर इंडिकेटर अब स्ट्रीक में भी आ गया है, आप सीपीआर इंडिकेटर को यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स और नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स वो भी इसके अंदर ऐड हो गया। तो क्रिएट स्ट्रेटजी में दोस्तों सबसे पहले तो आपको स्विच टू एडवांस कर लेना है। जैसे आप एडवांस करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स और मैथ के फंक्शंस ऑन हो जाते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके की कंडीशन लगा सकते हैं एडवांस लेवल पे। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं सेंट्रल पिवोट रेंज, देखिए सीपीआर यहाँ पर मिल गया है आपको, सीपीआर आप इसके अंदर लगा सकते हैं। दूसरा हमने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव वॉल्यूम, तो पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स और नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स वो आप यहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए ये इंडिकेटर ऐड हो गए नए, आप इनका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वॉल्यूम किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसको आपको बताएंगे। उसके बाद हम स्ट्रीक पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे इस इंडिकेटर्स के ऊपर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में एक सिंपल सी कंडीशन के साथ में सीपीआर का यूज़ करने वाला हूँ, एक बार उसको देख लीजिए, बाकी आप अपनी तरह से किसी भी तरीके की कस्टमाइजेशन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक फिलहाल डेमो के लिए आपको दिखा देता हूँ कि सेंट्रल पिवोट रेंज की एक सिंपल सी कंडीशन। तो हम लिखते हैं क्लोज, जो क्लोज प्राइस है, क्लोज प्राइस है वो क्रॉसिस अबोव करें, क्रॉसिस अबोव करें सीपीआर की जो दोस्तों टॉप लाइन होती है, राइट। तो हम लिखते हैं सेंट्रल पिवोट रेंज, इसकी 203 लाइनें होती है सीपीआर की, आप सभी जानते होंगे जिनको सीपीआर के बारे में पता है। तो हम लिख रहे हैं कि जो क्लोज है वो क्रॉसिस अबोव करे, जो टॉप लाइन है जो टीसी लाइन है इसको क्रॉसिस अबोव करके ऊपर जाए। बाकी इसके ऊपर हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई ऑलरेडी, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सेंट्रल पिवोट रेंज कैसे काम करती है। तो ये हमने एक सिंपल सी कंडीशन लगा दी, क्लोज क्रॉसिस अबोव सेंट्रल पिवोट रेंज, एक बहुत नॉर्मल सी कंडीशन है। इसके ऊपर बाय करेंगे, क्वांटिटी हम डाल लेते हैं 10, जो मर्जी आपको डालना है डाल लीजिए। इंटरडे बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लीजिए या 15 मिनट का ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। उसके बाद कुछ स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं, जैसे कि रिलायंस और हम कर लेते हैं इन्फोसिस, जो मर्जी आप ऐड कर लीजिए, जिन पे भी आप काम करना पसंद करते हैं। हम कर लेते हैं विप्रो, एक मुझे एक स्टॉक पसंद है IOLCP, एक कर लेते हैं SBI कार्ड, राइट। तो कुछ ये 4-5 स्टॉक्स मैंने ऐड कर लिए रैंडमली, आप चाहे तो जो पसंद हो आपको स्टॉक उसको ऐड कर लीजिए। स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है 1% का, टारगेट हमने लगा दिया है 2% का। उसके बाद जाते हैं हम शो एडवांस में, शो एडवांस के बाद हम MIS पे इसको लेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेटजी का नाम लिख लेते हैं जो आप चाहे। फिलहाल हमने CPR लिख लिया, सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। देखिए कुछ रिजल्ट आए दोस्तों, 3 स्टॉक जो है हमारे रिलायंस, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर रिलायंस में अच्छा काम कर रहा, इन्फी में बहुत बढ़िया काम करा और विप्रो में अच्छा काम करा, हमारा IOLCP में अच्छा काम नहीं करा और SBI कार्ड में अच्छा काम नहीं करा। तो आप चाहे तो इन दोनों स्टॉक को हटा सकते हैं। तो फिलहाल रिलायंस के एक बार ट्रेड्स देख लेते हैं कि किस तरीके के ट्रेड्स मिले। ट्रांजेक्शन डिटेल्स में जाते हैं और ये देखिए हमें लास्ट जो बाय करा है 17 जुलाई को बाय करा, जिसके अंदर प्रॉफिट हुआ था 17 जुलाई और 9:15 पे हमने बाय कर लिया था। तो एक बार देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे किस तरीके से दिख रहा है ये काइट।
यहाँ पर रिलायंस, पंद्रह मिनट का चार्ट है और इंडिकेटर हमने लिया सीपीआर। सीपीआर की जो टॉप लाइन है उसको तोड़ के जैसे ऊपर जाएगा तो सेंट्रल पिवोट रेंज 17 तारीख का 200 ट्रेड है, उसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये 217 तारीख का ट्रेड है और जैसे कि सीपीआर बहुत बखूबी काम करता है आप सभी जानते हैं। तो ये देखिए 217 तारीख का रुझान है, मार्केट जो ओपन हुई है वो इस से ऊपर ही ओपन हुई है। अगर आप देखें यहाँ पर ये ओपन हुई मार्केट, जो क्लोज है वो क्रॉस कर गया था सेंट्रल पिवोट रेंज को, इसके ऊपर ही ओपन हुई है और उसके बाद देखिए मार्केट का रुझान कितना जबरदस्त ऊपर गया। तो इतना बखूबी काम करता है सेंट्रल पिवोट रेंज, आप सभी देख रहे हैं इसकी पावर कितनी जबरदस्त पावर है। एक कैंडल जो हल्की सी टच करके गई है, इसको तोड़ भी नहीं पाई और वापिस ऊपर। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो सीपीआर है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अलग अलग तरीके की कंडीशन इसके ऊपर लगा सकते हैं, अपनी कंडीशन इसमें ऐड कर लीजिए जो आप चाहे। और अगर आपको यही स्ट्रेटजी एज इट इज लाइव करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको दो स्टॉक खराब लग रहे थे IOL और SBI कार्ड, आप इन दोनों को हटा सकते हैं, इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे सीपीआर के ऊपर। और हम डिप्लॉय 3 स्टॉक कर लेते हैं, इनकी क्वांटिटी कस्टमाइजेशन कर लीजिए। रिलायंस थोड़ा महंगा स्टॉक है, निफ्टी इन्फी और विप्रो जो है प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़े कम है, तो मनी मैनेजमेंट के लिए आप क्वांटिटी कस्टमाइज कर लीजिए। और इसको टेक लाइव करना है टेक लाइव कर लीजिए, पेपर ट्रेड करना है पेपर ट्रेड कर सकते हैं, मैं टेक लाइव कर लेता हूँ। और ये जो स्ट्रेटजी है लाइव हो गई है, जब भी कंडीशन मैच होगी नोटिफिकेशन आएगा, आपको क्लिक करना है एंटर होना है, एग्जिट की कंडीशन आएगी आपको क्लिक करना है एग्जिट करना है। इतना काम दोस्तों स्ट्रीक पे आपका रह जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ऑल ओवर बहुत पसंद आई होगी। मिलता हूँ दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय दोस्तों।